and low surface respectively, F1 and F2, the electric inside the surface will be. करेक्ट आंसर फर्स्ट ही होगा। सर कैसे? सेकंड कैसे होगा? सर जो छोड़ रहा है उसके लिए हमें नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा ना F2 के लिए, नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा मतलब? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए तो फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज की फ्लक्स कैसी होती है? क्योंकि सर F1 है और F2 दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए पूछ। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? फ्लक्स तो स्केलर है। डायरेक्शन कैसे हो गई भाई साहब? एक कपड़ा है। लेकिन जो चार्ज चार्ज की बात हो रही है, एनक्लोज कर रहा है, फ्लक्स तो नेट उसका निकालेंगे ना, और फिर फ्लक्स नेट निकालेंगे तो F2 माइनस F1 ये तो हो जाएगा उस चार्ज के। उसने बोला कि सर एंटरिंग वाला प्लस F1 है और F2 गोइंग आउट वाला है, तो F2 की वैल्यू नेगेटिव होगी अपने आप ना, आपको अलग से माइनस साइन थोड़ा लगाना पड़ेगा। F2 की वैल्यू नेगेटिव होगी ना या F1 की वैल्यू नेगेटिव होगी ना? स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब, प्लस और माइनस साइन आपकी डायरेक्शन के लिए नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने बोला वर्क डन -2 जूल है और +2 जूल है, अलग अलग क्वांटिटी है कि सेम ही क्वांटिटी है? सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी होगी। वाह बेटा, वर्क डन +2 जूल और -2 जूल आर 2 डिफरेंट क्वांटिटी। मैंने कहा टोटल वर्क डन आप लिखोगे, मैंने कहा एक बॉडी पे दो वर्क डन हो रहे हैं, -2 जूल हो रहा है और दूसरा वर्क डन हो रहा है 5 जूल। ठीक है, लाइट का थोड़ा इश्यू रहेगा, थोड़ा सा बेयर करो। हाँ भाई साहब, टोटल वर्कडन पूछोगे तो आप वर्कडन W1 प्लस W2 लिखोगे कि सर W2 माइनस W1 लिखोगे? क्या लिखोगे? W1 प्लस W2। क्यों माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो? स्केलर क्वांटिटी में माइनस का मतलब क्या होता है सर? वो साइन से मतलब नहीं होता है बेटा, वेक्टर में होता है साइन से मतलब। समझ में आ रहा है? वेक्टर का मतलब होता है, आप बोलते हो सर मैग्नीट्यूड होता है 2 और फिर उसके डायरेक्शन से आप फर्क पड़ेगा। वहां तो अगर आपने बोला W1, अब W1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। ठीक है, तो उसने ये थोड़ा बोला कि फ्लक्स F1 नेगेटिव है या पॉजिटिव है। F1 की वैल्यू F1 है, अब वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। आपको तो टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स क्या होगा? F1 प्लस F2। टोटल फ्लक्स क्या होगा? F1 प्लस F2। आप बोलोगे पहले केस में हो सकता है फ्लक्स 1 की वैल्यू होगी E1 इनटू डेल्टा एस कॉस 180 और ये F1 हो सकता है, और F2 की वैल्यू हो सकती है E2 डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री। तो बताओ F1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? F1 की नेगेटिव होगी। तो F1 की वैल्यू नेगेटिव होगी ना, आप टोटल फ्लक्स F1 प्लस F2 लिखोगे कि सर F2 माइनस F1 लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? F1 प्लस F1 प्लस F2। तो साथ में तो आंसर प्लस नहीं होना चाहिए, वो सॉरी ऑप्शन में होना चाहिए। ओके सर। हाँ जी सर, बट ऐसा एक क्वेश्चन जो डीपीपी में था उसमें तो माइनस किया था हमने शायद। क्वेश्चन भेजना मुझे तब बात करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज से बहुत फर्क पड़ जाता है। सर प्रेजेंट कर दो अभी, आराम से अलग से भेजना, वो डीपीपी क्वेश्चन है अलग से बात। चलो भेज दो, बताओ। सर मेरा ये वाला क्वेश्चन और है, बोलो। स्ट्रॉबेरी वाली है सर, इसका आंसर है लैब वनीला। बेटा वनीला देना बेटा, तुम ही खा लो, क्यों सबको खिला रही हो? हाँ क्या क्वेश्चन बोल भाई? सर प्रेजेंट कर तो दिया। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज दिस, 800 कूलम्ब रेजिस्टेंस इज 1 वाट, 1 ओम है बेसिकली,
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम एंड हां भाई साहब सर इसका आंसर 1100 केल्विन आ रहा है लेकिन ऐसा दे नहीं रहा है कैसे किया जरा मेरे को जरा पहली इक्वेशन बताओ क्या लिखा था सर वही किया रो इज इक्वल टू रो नॉट आर नॉट की वैल्यू कितनी ले रखी है आर नॉट की वैल्यू हां सर 1 ओम गलत है ना इसीलिए तो आंसर गलत है सर 1 आएगा आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट दूसरा आर टू आएगा आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा यहाँ पे टी वन था यहाँ लिखोगे टी टू माइनस टी नॉट ठीक है आप आर वन की वैल्यू लोगे 1 ओम और आर टू की वैल्यू लोगे 2 ओम डिवाइड करोगे तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा आर नॉट बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे लिया जा रहा है जो कि जनरली 0 डिग्री सेल्सियस होता है आर नॉट किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होता बेटा जनरली टी नॉट या टी जीरो पे होता है ठीक है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होता है आज थोड़ा लाइट का इश्यू है थोड़ा बेयर करो आई होप लाइट आ जाए आई इन्वर्टर इज नॉट वर्किंग हाँ जी क्लियर है गोविंद बेटा डीपी पे में भी क्वेश्चन था ऐसा वहां पे आर नॉट की वैल्यू किसी भी टेम्परेचर पे नहीं लेते बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जनरली टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे हाँ भाई साहब मान लो तुम ऐसे क्वेश्चन लेके आप कहने का देखो आप दोनों ही लैंग्वेज अपनी अपनी जगह सही है और दोनों ही लैंग्वेज अपनी अपनी जगह गलत है ठीक है सर मतलब समझी नहीं मतलब समझी नहीं एक आपकी तरह सोच रहा है और एक मेरी तरह सोच रहा है ठीक है आपके हिसाब से फाइव टू एफ टू माइनस एफ वन होता है लेकिन लेकिन मैंने आपको प्रूफ किया कि भाई साहब एफ वन प्लस एफ टू भी हो सकता है तो लैंग्वेज में क्लियरिटी नहीं है हाँ बट एफ वन माइनस एफ टू विल बी बेटर ऑप्शन ठीक है तो सर जो डीपीपी वाला क्वेश्चन है उसमें भी एफ वन प्लस एफ टू मतलब फाइव वन प्लस फाइव टू ही होगा आई नो वो सेम क्वेश्चन ही है बेटा तो दोनों ही देखो एक ने सोचते टाइम उसने बोला कि साइन इंक्लूड होगा फाइव वन और एफ फाइव टू में और दूसरे ने सोचा कि नहीं फाइव वन और फाइव टू सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे साइन आपको एंट्रिंग और लीविंग से करना पड़ेगा राइट तो दोनों ही अपनी जगह क्वेश्चन बनाते टाइम गलत नहीं थे और दोनों ही सही भी नहीं थे पूरी तरीके से ठीक है बट आई विल ऑलवेज गो विद दिस डीपीपी वाला ऑप्शन एफ टू माइनस एफ वन वाला फाइव टू माइनस फाइव वन वाला ठीक है तो डोंट वरी क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है सर ये नहीं आ रहा समझ अभी भी कोई बात नहीं आप तो डीपी वाले ऑप्शन को करेक्ट माने यानी आपके हिसाब से जो आंसर एफ टू माइनस एफ वन होना चाहिए उसी को करेक्ट माने ठीक है तो दिख भी नहीं रहा होगा यार कोई लाइट वगैरह नहीं है क्या लाइट वगैरह नहीं हुई काफी डार्क हो गया है आज आज ही लाइट जाने थी कि आज आज काम नहीं कर रहा है आज ही लाइट जाने थी वरना लाइट नहीं जाती है सर डाउट पूछ सकते इतना तो दिखाई दे रहा है हाँ पूछो 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 तो तुम डाउट पूछने कौन मना कर रहा है पूछो पूछो आई होप लाइट आ जाए तब तक सर ये वाले ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन करने की क्या टेक्निक है क्या हो गया इस क्वेश्चन की फिर टेक्निक बता दीजिए बहुत दिमाग खर्च किया लेकिन हुआ नहीं टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता रखी है बेटा क्या कहते हो कुछ लोग क्या मैंने इसकी टेक्निक बता रखी है यस सर गोविंद बेटा सर मैंने नहीं बताइए सर नहीं एक सेकंड तो बाकी लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं जैसे इनफाइनाइट रेजिस्टर वाला इनफाइनाइट लैडर का सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सर ये क्वेश्चन तो पढ़िए इनफाइनाइट लेवल तो मेरे को भी सॉल्व करना आता है फिर क्या दिक्कत है ये क्वेश्चन अलग है
क्या है क्वेश्चन तो बताना मेरे को, पढ़ के बता, मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता सर। एक फाइनाइट लेडर दे रखी है जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, जिसमें ये कह रहा है कि टर्मिनल पिक फाइनाइट है, फाइनाइट है, इसमें तो इनफाइनाइट दिख रही मुझे। सर अच्छे से पढ़िए। नहीं पढ़ने से क्या, फिगर में तो मुझे इनफाइनाइट दिख रहा है, फाइनाइट कहाँ है, सी कहाँ है इसमें सर? कुछ तो मेरे को फिगर नहीं दिखा रहा है पूरा। नो सर फिगर पूरा है। तो फिर सी कहाँ है? इसने बोला व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी, वेयर इज सी? यस सर फिगर ठीक से शो नहीं हो रही, वो साइड में भी है, सी साइड में है सर। बट वो ये कह रहा है कि सी की वैल्यू क्या हो कि जो इक्विवेलेंट हो गए। एक सेकंड, सी कहाँ है इस क्वेश्चन में, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सी की वैल्यू मतलब कौन से सी की बात हो रही है? सी सर ये दो लेडर के बीच में लगाया गया है, वो भी इनफाइनाइट। दो लेडर या तो एक ही लेडर है भाई, मतलब जो दो लेडर के जो दो लाइंस है पैरेलल उनके बीच में लगाया गया है। लाइंस के पैरेलल में तो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड के दिख रहे हैं मुझे। यस सर आगे चल के भी वहीं लगाना है। हां सर ये तो तू बोल रहा है, मेरे हिसाब से तो सी ए और बी के बीच में लगाया है, मैं तो कुछ भी मान लूं, तेरे अकॉर्डिंग कैसे मान लूं है। क्वेश्चन इज दिस, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, मैं मान लेता हूँ लास्ट में क्या है कि कुछ ऐसा लगता है, नहीं ऐसा बना रखा है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये सी होगा, ये 4 माइक्रोफैरड है, ऐसे ही ये इसी तरीके से आगे चलता जाए, ये शायद 2 माइक्रोफैरड है। कुछ ऐसा ए और बी, कुछ ऐसा ही है। Yes, sir. इसमें सी की वैल्यू पूछी है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, सी की वैल्यू पूछी है कि सर सी की वैल्यू मैं कैसी रख दूं कि सर इसमें कितनी ब्रांचेस लगी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने कहा सर इसमें देखो इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉमन सेंस ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा ट्रिक या मैथड नहीं होता। आप बोलते हो कि सर अगर मैं यहाँ पे सोचो, यहाँ पे अगर मान लो या तो 4 आएगा या 2 आएगा या 8 आएगा, ऐसे ही आंसर आएंगे। मैंने कहा अगर मैं 4 और 4 को सीरीज में लगाऊंगा तो क्या मिलेगा आपको? सर 2। एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था बस, क्योंकि भाई साहब मुझे हर बार ये ब्रांच यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे भी 2 आ रही है, मैं ऐसा कुछ यहाँ पे लगा दूं कि मेरे को इसको ब्रांच को हटाऊं तो यहाँ 2 मिल जाए, इन दोनों को सॉल्व करके भी रखाऊं तो वापस से मुझे फिर वही मिल जाए, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरीके से ब्रांच लानी है कि सर इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर देखिए अगर मैं सी की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड ले लूं तो 4 और 4 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको हटा के आप क्या लिख दोगे यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, और 2 और 2 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो फिर से यहाँ 4 आ जाएगा। देखो फिर से वही पुराने वाली ब्रांच से पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, यस और नो? यस सर। फिर 4 और 4 को सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, कहने का मतलब है कि मैं सी की ऐसी वैल्यू चूज करनी होती कि मैं ब्रांचेस सॉल्व करते जाऊं तो मुझे वापस से पुरानी ब्रांचेस मिलती जाए, मतलब मुझे नंबर ऑफ ब्रांचेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर जनरली क्या होता है कि आपको ये लाना होता है, इस वाले के केस में आपको इसको हटा के फाइनली सॉल्व करो तो ये ब्रांच आ जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो या तो 4 लगा लो, 2 लगा के देख लो, आंसर बस इससे आ जाता है, या तो 4 लगेगा या 2 लगेगा या 8 लगेगा, इस टाइप से क्वेश्चन से आंसर आ जाते हैं। तो मैंने देखो सी को जैसे ही 4 लगा के रखा तो 4 और 4 सॉल्व होके 2 आया, 2 और 2 सॉल्व होके फिर से 4 आ गया, मतलब पुरानी वाली ब्रांच रिपीट हो गई। सो दैट इज माय करेक्ट आंसर, इसमें कोई ऐसा मैथड नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हिडन ट्रायल से आप बोल सकते हो कि ये सॉल्व होता है। गोविंद? यस सर ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है। बोलिए और कोई डाउट सर? एक और प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक क्यों, चार करो तो। मुझे तो ये भी याद नहीं कि तुम्हारे में चल क्या रहा था सर। ये रहा हाँ, इन द सर्किट शोन इन द
अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं द 3 ओम रेजिस्टर इज 0.5 3 ओम रेजिस्टर इज 0.25 द 4 ओम रेजिस्टर इज 0.5 द 4 ओम रेजिस्टर इज 0.25 हाँ तो भाई साहब बेसिकली इसमें सॉल्व करना है क्या बताऊँ इसमें सर ये बहुत लेंथी बैठ रहा है और इसमें इक्वेशन बहुत तगड़ी गोविंद यार तेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन आता है तो तेरे हिसाब से लेंथी हो जाता है चल फिगर दिखा लेंथी है तो सॉल्व कर करना पड़ेगा ना बहुत लेंथी तो क्या सॉल्व नहीं करोगे सर एक बात बताइए अगर नीट में हमें 1 घंटा मिलता है फिजिक्स के लिए उसमें ये 5 मिनट तो यही खा जाएगा ऐसा क्वेश्चन उस दिन मेरा ऐसे ही हुआ 5 मिनट नहीं खा जाएगा ठीक है और 5 मिनट चलो 1 मिनट एक क्वेश्चन खा भी गया उसके अलावा बाकी 44 क्वेश्चन तो 1-1 मिनट खा रहे हैं तो 44 मिनट हो गए 5 मिनट बच गए तो भी तुम्हारे पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बचे आप बोलो हाँ और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थ्योरेटिकल आते हैं आप उनको पढ़ के टिक करके आगे बढ़ जाते हो उनका टाइम बचा हुआ वो काउंट नहीं करोगे सर जो अभी टेस्ट हुआ था सर उसमें इसीलिए स्कोर गिर जाता है कि सर फालतू क्वेश्चन में तो टाइम लग जाता है 5-5 मिनट तो आपने कैसे कह दिया क्वेश्चन फालतू है बेटा नहीं सर फालतू नहीं मतलब ये लेंथी क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है कि तो भाई साहब मैंने आपको हमेशा बोला है कि 40 क्वेश्चन इजी आते हैं 5 क्वेश्चन भाई साहब ऐसे ही आएंगे जो रैंक डिसाइड करते हैं आपको फालतू लग रहे हैं आप छोड़ दीजिए 40 पे डिपेंडेंट रहिए क्यों परेशान हो रहे हैं आपको अगर रैंक नहीं चाहिए तो ठीक है 5 क्वेश्चन मैंने कहा 40 क्वेश्चन तो 35 मिनट में या 40 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे 5 क्वेश्चन के लगभग लगभग 10 से 15 मिनट मिलते हैं आपको तो वो ऐसे क्वेश्चन देगा ना ऐसा तो होगा नहीं कि आपको छोड़ देगा ठीक है तो आप ये तो कतई ना बोले कि ऐसे क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है खैर छोड़ो रुकिए क्वेश्चन बहुत इजी है खैर ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग वीट स्टोन ब्रिज बनना है क्या चार दो छह तीन नौ नहीं रिस्टोन वेस्ट तो नहीं बनेंगे अगर मैं इधर से लगाना चालू करूं तो चलिए खैर क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको देखोगे कि शायद कहीं ना कहीं से सिमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही सिमेट्री भी तो नहीं आएगी टाइपिंग तो नहीं कर दिया है 8 ओम हटा के सॉल्व करो जरा आंसर कितना आ रहा है देखो ऊपर आ रहा है 6 + 4 + 6 16 ओम कितना दे रखा है 9 वोल्ट टोटल करंट कितना हो रहा है 9/16 हाँ क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग आ रहा है बेटा तो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करो मुझे तो कुछ टाइपिंग आ रहा है ओके सर क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग आ रहा है बिकॉज इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइपिंग आ रहा है क्योंकि जो आपके 3 ओम लिखा है ना उसमें कितने 3 ओम लगा रखे हैं 3 3 ओम लगा रखे हैं ठीक है तो 3 3 ओम लगा रखे हैं तो उसमें ये नहीं पता चला ना कौन से 3 ओम की बात कर रहा है वो तो सारे 3 ओम से करंट अगर सेम होगा तो फिर सर्किट ऐसा होना चाहिए और भी क्या 2 4 2 2 2 यहाँ पे 9 आया 3 3 3 19 ओम
सही है ना, 19। क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर है बेटा, अदरवाइज ये तीनों उनसे करंट सेम हो ही नहीं सकता। मतलब कि ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में रखना कि 3 ओम से करंट बता दो, 4 ओम से करंट बता दो। 4 ओम से तो फिर भी आप बता सकते हो एक के अंदर की वो एक आया एक एक ही है ना, बट 3 ओम से अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइपिंग एरर है, इसका स्क्रीनशॉट भेजना मेरे को। ओके सर, टेस्ट में रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है क्या? क्यों सर? नो सर। नो सर, तो फिर मुझे स्क्रीनशॉट देना है सर। एक बोल गया तू, अभी 5 मिनट लगे तेरे को, फिर तो प्रॉपर सॉल्व करने पड़ेगा, उससे कोई ऑप्शन नहीं। आप लिखोगे इसको 4, 3, 6, 47 to 9, और यहाँ पे लगा होगा 8, यहाँ पे भी लगा होगा 8, 9 और 8 को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा, तो ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा और तब भी करंट आंसर नहीं आएगा। आया था क्या आंसर गोविंद? नो सर, आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है। चलिए सर एक और प्रेजेंट कर रहा हूँ। और बोलो बोलो बोलो, प्रेजेंट करते जाओ। पेपर हुए कितना टाइम हो गया है सर? टाइम हो गया एक 2 वीक होने जा रहे हैं सर। जो ये वाला क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर पुट कर करके देखना है तब होगा या फिर कोई टेक्निक है? There are 8 cells of each 1.5 volt and resistance 0.5 ohm are used to send a current through an external resistance of 1. How will you arrange them to get the maximum power? अरे इसमें आपको क्या करना है, 8 सेल है आपके पास, आपको रेजिस्टेंस कितना लाना है बेटा? नेट रेजिस्टेंस कितना चाहिए, आर इक्विवेलेंट कितना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना चाहिए बेटा? 1 ओम। स्क्रीन मत छोड़ो अभी, देख ले कितना चाहिए 1 ओम का। तो आपने बोला कि हर रेजिस्टेंस के पास कितना है, 0.5 ओम। एक ही अरेंजमेंट होगा आपका भाई साहब, जब ये चार ऐसे लग रही हो और उसके पैरेलल में चार ऐसे लग रहे हो, 1/2, 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
ओम और टू ओम टू ओम पैरेलल लगेंगे तो कितना आएगा वन ओम और कुछ बचता ही नहीं भाई। हाँ सर इसमें आप क्या ये तो बैटरी का नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बेटा बैटरी का नेट रेजिस्टेंस नहीं निकालू तो किसका निकालू। तो सर आप बैटरी का वन क्यों निकालना चाह रहे हो। क्या बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वन क्यों निकालना चाह रहे हो मतलब समझा नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या निकालूं बताओ। हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम पावर। सर पावर होता है जैसे कि पावर इक्वल टू वी आई तो हम इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना ले सकते हैं। क्यों मैक्सिमम वोल्टेज और आई क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा सर अच्छा सर वी स्क्वायर बाय आर कर लेते हैं तो फिर आर कहेंगे तो आर आर भी तो हर बार अरेंजमेंट का अलग अलग आएगा। गोविंद बेटा थ्योरी नहीं पढ़ी हमने। हाँ भाई साहब कोई इसको थ्योरी याद दिलाएगा एनीवन। सर मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस एंड दिस इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम गोविंद बेटा। ओके सर याद आ गई। एंड ट्राई 5 मिनट। चलिए आप शायद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे गोविंद बेटा एक बार और लग चुके हो। पुरानी काफी पुरानी बात है। यस सर है ना। और फिर भी आप अपनी गलतियों से सीखे नहीं जबकि मुझको याद है कि आप उलझ चुके हो और आपको खुद को याद नहीं कि आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे एक बार उलझ चुके हैं। चलिए और किसी कोई और डाउट। देखिए जो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो गोविंद ने पूछा डेफिनेटली उसमें टाइपिंग एरर है आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा। बाकी आपने जो 51 और 52 वाला क्वेश्चन पूछा उसमें आप बिल्कुल अपनी जगह सही है आप उसमें गलत नहीं कर सकते ठीक है। और हालांकि मैं उसको गलत प्रूफ भी कर सकता हूँ बट स्टिल
लैंग्वेज ऐसी है कि आप लोगों के लिए समझना वाकई में काफी डिफिकल्ट है उस लैंग्वेज को, और इवन क्वेश्चन बनाते टाइम भी लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होता क्वेश्चन किसने बनाया। ठीक है, दोनों ही आंसर अपनी अपनी स्टैंड पे सही निकल सकते हैं अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो। आप उसको भी मेरे हिसाब से इफ आई विल गो विद डीपीपी वाला आंसर, ठीक है, नॉट विद टेस्ट वाला आंसर। चलिए, हाँ मैं दोनों ही सही प्रूव कर सकता हूँ और आप दोनों को ही रॉन्ग नहीं बोल पाएंगे। एक और बचा तेरा, चलिए सर दो टेस्ट के डाउट है ना। दो कहाँ से टेस्ट हो गए बे? सर दो हो चुके हैं, एक तो फेस हो चुका है, उससे एक पहले और हो चुका है। अच्छा, कितने क्या दो चार साल बाद क्लास लग रही है मेरी? सर एक महीने से ऊपर हो गया। अच्छा भाई, चलो भाई। आ सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद स्विच एस ओपन, स्विच एस ओपन, ठीक है भाई साहब। इन द फिगर विद स्विच एस ओपन व्हेन द स्विच इज क्लोज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोस फ्रॉम वाई टू एक्स। रुक जाना, मेरे को फिगर बना देना। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड कितना रेजिस्टेंस लगाएं? 3 ओम और 6 ओम, राइट। और यहाँ पे एक सर्किट स्विच लगाया है, इस पॉइंट को एक्स बोला गया है, इस पॉइंट को वाई, और इनके बीच में बैटरी कितनी लगाई गई है? 9 वोल्ट। ये 6 माइक्रोफेरेड है और ये कितना बोला था? 3 माइक्रोफेरेड, राइट। हाँ भाई साहब, देखो यार, ये क्वेश्चन, यस सर, है ना। इसने बोला कि पहले तो एक्स और वाई के बीच में स्विच एस ओपन था, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं था। क्लियर है बात? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? बोलो भाई, गोविंद बेटा, सर सर जब स्विच ओपन था तब 2 माइक्रोफेरेड ओपन था, तब ओपन मतलब वो ओपन सर्किट था, मतलब वहां पे कोई भी वायर आपस में कनेक्टेड नहीं थे। तब तो आप बोलोगे कि सर ऊपर वाले दोनों सीरीज में, और दोनों सीरीज में है तो आप बोलोगे सीरीज में क्या होता है भाई साहब? 6 और 3 का रिजल्टेंट आएगा, जो भी कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा कितना? 2 माइक्रोफेरेड। चलिए कोई बात नहीं, 2 माइक्रोफेरेड आ गया। और नीचे वालों का रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा? इक्विवेलेंट 9 ओम, राइट। तो 9 ओम सर स्क्रीन नहीं आ रही है, मतलब बेसिकली यहाँ से जो भी करंट जा रहा होगा वो पूरा का पूरा कहाँ से निकल रहा होगा? 6 ओम वाले से जा रहा होगा, यहाँ से ऐसे। तो जो करंट होगा, अगर करंट की वैल्यू निकालोगे तो करंट की वैल्यू आएगी 9 वोल्ट अपॉन 9 ओम, दैट इज 1 एम्पियर। खैर मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने कहने का मतलब है कि सर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना? एक सेकेंड वेट, हाँ हाँ वेट, लेट मी रीजॉइन वंस।
अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, मैंने कहा अगर हम पहले केस की बात करें, जरा देखो पहले केस में आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ 603 और सॉरी हाँ यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट है तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इन दोनों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 9 वोल्ट। और क्योंकि सीरीज है, सीरीज में आप बोलते हो कि सर चार्ज सेम होता है, अगर यहाँ प्लस क्यू है तो माइनस क्यू होगा, और यहाँ पे प्लस क्यू होगा और यहाँ पे माइनस क्यू होगा, ऐसे ही कुछ होगा। और जो वी होगा, वी वी इक्वल टू होता है क्या होता है? क्यू बाय सी। वी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय सी। मैंने कहा क्यू की वैल्यू निकालो, क्यू इक्वलेंट सी इक्वलेंट कितना आया था? 2 माइक्रोफेरेड। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई? 9 वोल्ट। तो क्यू कितना आ गया? आप क्या बोलोगे? बेसिकली ऐसे बोल दो, इनकी जगह पे ये आ गया होगा, आप बोलोगे प्लस क्यू और माइनस क्यू, ऐसे तो आया होगा। और इन दोनों के पीछे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 9 वोल्ट। ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरेड आया होगा इक्विवेलेंट। तो भाई साहब जो इस इक्विवेलेंट के अक्रॉस आया होगा वही इनके इंडिविजुअल भी अक्रॉस आया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या हो गई कि सर आपने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। चलो अलग बना देता हूँ, आपने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब हुआ कुछ भी नहीं होगा। अभी भी आप क्या बोलोगे कि सर दोनों के अक्रॉस जब स्टेडी स्टेट आया होगा तो ये फिर से ओपन सर्किट हो गए होंगे। ये फिर से कैसे हो गए होंगे? ओपन सर्किट हो गए होंगे। फिर से कनेक्शन तो आप बोलोगे ये वाले ओपन सर्किट कर दोगे, तो बेसिकली अभी भी क्या होगा? 9 ओम ही होगा। और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा वो कैसा आया होगा? सर अभी भी 9 वोल्ट का ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में। लेकिन करंट कितना फ्लो रहता है? अब आपको करंट की जरूरत होगी 1 एम्पियर है। तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया होगा? 3 वोल्ट। और इन दो के क्रॉस आया होगा 6 वोल्ट। ऐसे ही आया होगा कि नहीं आया होगा? यस सर। नो। यस सर। यस सर। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। ये समझ में आ गया? समझ में आ। तो भाई साहब ये 3 माइक्रोफेराड है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? देखो ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे भी कितना आया होगा? 3 वोल्ट। यस सर। कितना आया होगा? 3 वोल्ट। अगर 3 वोल्ट आया होगा तो आप बोलोगे कि बेसिकली यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आई होगी? Q इक्वल टू क्या होता है? CV। C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 माइक्रोफेरेड। और वोल्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 वोल्ट, मतलब कितना है? 9 माइक्रोफेरेड। तो ये प्लस 9 था और यहाँ माइनस 9 माइक्रोफेरेड हो गया, ऐसे हो गया। कोई दिक्कत? बोलो बोलो भाई, दिक्कत आ रही हो तो मैं रोकूंगा, आगे बढ़ूंगा आगे। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत अच्छी बात है, यहाँ 6 वोल्ट था तो इसके क्रॉस क्यों निकालोगे? तो सी भी लिखोगे। सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 6 माइक्रोफेरेड इंटू 6 यहाँ पे 36 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली यहाँ पे आया होगा प्लस का 36 माइक्रोकूलम और यहाँ का आया होगा माइनस 36 माइक्रोकूलम। यस और नो? यस सर। क्लियर है? चलो आप बोलोगे कि सर पहले देखो सिचुएशन पहले की देखो, पहले यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे यार बताओगे कोई? 18 आई थी शायद, प्लस का 18 माइनस का 18 ऐसी था। अब यहाँ माइनस 18 पे क्या हो गया? माइनस 9 रह गया माइक्रोकूलम, सॉरी नॉट माइक्रोफेरेड। पहले माइनस माइनस 18 माइक्रोकूलम था, यहाँ माइनस 9, मतलब यहाँ से माइनस 9 यहाँ चला। ठीक है, ये माइनस 9 यहाँ की तरफ चला। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये माइनस 9 यहाँ की तरफ चलेगा, ध्यान रखना। ओके, अच्छा यहाँ पे कितना था? प्लस का 18। यहाँ पे कितना था? प्लस का 18। अब कितना हो गया? प्लस का 36।
मतलब कहीं ना कहीं से इसके पास 18 माइक्रो कूलम आया। आपने बोला सर यहाँ माइनस रह गया, पहले कितना था माइनस 18, अब कितना रह गया माइनस 9, इसका मतलब बेसिकली माइनस इधर से चला, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कितना आया माइनस 9 माइक्रो कूलम, तो 18 माइक्रो कूलम इधर की तरफ गया, 9 माइक्रो कूलम इधर की तरफ गया, तो कहाँ से आया सर, यहीं से तो आया होगा। 27 माइक्रो कूलम आंसर है क्या बेटा? गोविंद सर ऑप्शन तो दिया है लेकिन आंसर नहीं पता। यस सर यही है। आंसर नहीं पता, कोई भी स्टेप में समझ में आया क्या? क्या फिर से रिपीट करूं क्या कोई भी स्टेप? हाँ बेटा वीडियो क्लियर है यार, बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ जरूर होगा बट अभी क्लियर है। अरे बोलो भाई कोई स्टेप रिपीट करना है क्या? खुशी क्लियर नहीं आ रहा वीडियो? सर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन भी क्लियर है गोविंद? यस सर। चलिए फिर से खुद ट्राई करना। सर मैंने स्टार्टिंग में इसलिए सोचा था। अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर जब मैंने ये टेस्ट कहाँ चली गई तेरी आवाज? चलो क्या? और कोई डाउट है क्या? हाँ भाई और कोई डाउट है क्या? अरे बोलो भाई हाँ या ना कुछ तो बोलो, आगे बढ़ेंगे ना? एनीवन Am I audible to everyone? Right? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. है ना? तो मुझे लग रहा था कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। चलिए बताइए क्या हुआ था लास्ट क्लास में, क्या कर रहे थे हम ये बताओ। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया था। अच्छा चलिए देन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दिया। चलिए बायो सेवर तो आया था क्या, हो गया था क्या? नो सर। चलिए तो अपन आज बात करने वाले हैं बायो सेवर्ट लॉ। क्या होता है ये बायो सेवर्ट लॉ? देखिए होता क्या है कि सर बेसिकली अब हम बात करेंगे कि अभी तक हमने बात की थी कि सर कोई भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, तो उसपे कितना फोर्स लगता है, कैसे फोर्स लगता है, ये सब हमने बातें की थी। अभी तक हमने ये बातें नहीं की थी कि सर एक चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल कहेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, ये तो हमें पता है ना। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, देन हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड बाय एनी अरेंजमेंट ऑफ मूविंग चार्ज। सो बेसिकली बायो सेवर्ट लॉ ने हमको एक बेसिक हिंट दी कि देखो भाई साहब कैसे भी करके मूविंग चार्जेस जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे वो कैसे और कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि सर एक मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, क्या है, करंट कैरिंग वायर है, एंड दिस करंट कैरिंग वायर कंटेन्स मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, दैट वी ऑल नो, राइट? द करंट कैरिंग पार्टिकल, सॉरी द करंट कैरिंग वायर कंटेन्स मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो इन्होंने क्या बोला कि सर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इसका,
इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा है डीएल, बहुत छोटी सी वैल्यू ले ली राइट। आप बोलोगे सर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, हमने क्या बोला डीएल। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर, एक काम करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर जो कि आज डिस्टेंस पर है, ठीक है, उस पॉइंट पर अगर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उसने बोला कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए, दैट एक बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, छोटा सा एलिमेंट है, मतलब छोटे थोड़े से चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, उस डीवी, इसलिए हमने उसको क्या बोला डीवी, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई डीएल बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो डीएल वेक्टर हमने लिया था डीएल, ठीक है। अगर हम एक्चुअली में इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो उसने बोला था दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आई एल साइन थीटा, उसने बोला कि अगर हम वेक्टर, अभी थीटा कितना है, ये दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, द एंगल बिटवीन द डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमने करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, डीएल वेक्टर लेंगे तो आप बोलेंगे डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किसके डायरेक्शन में रहेगी, करंट वेक्टर की डायरेक्शन में रहेगी। आप बोलोगे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, अगर हम बोले ये पोजीशन यहाँ से इस डीएल वेक्टर से ये डिस्टेंस कितनी ली थी आर, और अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा आर वेक्टर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा होगा, तो इस डीएल छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एंड दैट विल बी गिवन एज, द मैग्नीट्यूड विल बी गिवन एज म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर आप बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे म्यू नॉट आई सर 4 पाई भी तो होता है बॉन्ड में बाय, यस सर आर वेक्टर, कुछ बोल रहे हो सर म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है, ओ सॉरी आई कांस्टेंट वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगी, पूरी एक कांस्टेंट होता है, क्लियर है बात। आप बोलोगे अगर उसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे डीएल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर था, अगर मैं आर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं, आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता हो तो क्या होता है ए बी साइन थीटा एंड क्या, तो हमने लिखना था डीएल क्रॉस आर, तो देखिए डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, या गया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकाली लेंगे, तो आप बोलोगे डीएल क्रॉस आर लिखने के लिए आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या आ गया आर क्यूब आ गया, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक छोटी सी एलिमेंट की वजह से, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आप क्या बोलोगे, आपने बायो सेवर्ट लॉ ने आपको क्या दे दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड दे दिया किसी भी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर होगा एक छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी बोली उसने म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे देखिए म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज बेसिकली परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हम बात करें फ्री स्पेस या वैक्यूम की, तो म्यू नॉट क्या है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होगी 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। हाँ जी मैग्नेटिक फील्ड की जो टेस्ला मीटर बाय एम्पियर, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को उसने क्या बोला था टेस्ला, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होगी सर नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर आखिरी शब्द मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है अभी, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी टेस्ला,
यहाँ तक क्लियर है? तो भाई सर बायो सेवर्ट लॉ है, लॉ क्या बोलता है सर? लॉ यही होता है कि सर लॉ होता है, ठीक है? लॉ का आपके पास जरूरी नहीं है प्रूफ, लॉ का आपके पास जरूरी नहीं है कोई प्रूफ हो, लॉ तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या बोलता है कि सर एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से एक किसी पॉइंट ए पर एक छोटा सा माइनरी फील्ड कितना क्रिएट होता है, and that will be equal to mu not I, mu not upon 4 pi, I dl cross r upon r cube, or mind rule wise कितना? अब आपने क्या बोला कि सर इसने बोला कि अगर आपको कोई बड़े एलिमेंट की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी पॉइंट पर, तो क्या करूं? ऐसे छोटे एलिमेंट का उसने बता दिया, उसने बोला ऐसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट का वेक्टर सम कर लो and you will get the net magnetic field. उसने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से तो आपको निकाल के दे दिया, बाकी उसको बोला कि सर बाकी आप खुद इंटीग्रेशन करके किसी भी बड़े एलिमेंट का निकाल सकते हो। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमें डायरेक्शन निकालनी बड़ी आसानी से आनी चाहिए, राइट हैंड पाम रूल हमको आना चाहिए। आई होप सब लोगों को ये चीजें क्लियर है, कर पाएंगे? इसमें एक छोटी सी चीज और ध्यान रखो, ये जो डीएल वेक्टर होता है, एक छोटा सा जो एलिमेंट लेते हैं वायर का लेंथ, वायर लेंथ जो एलिमेंट होता है, वो जो डीएल वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा उसी डायरेक्शन में लेके, करंट यहाँ पे फ्लो रहा था इसलिए डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आपने किधर ली, करंट की डायरेक्शन में ही ली है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए नो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। सर नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट डिफरेंट कंफिगरेशन लेंगे, है ना, उसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे और हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे। चलिए आप सबसे पहले हम निकालेंगे, आप लोग ट्राई करोगे क्या, एक छोटा सा, ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, इसका रेडियस कितना है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे क्या, ट्राई करो जरा। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, इसे निकालने की कोशिश करें, रटा हुआ नहीं बोले सीधे चले यार, मेरा गांव में नल नहीं होगा। काम कर लें चलिए ट्राई कीजिए, बताइए। हेलो, अरे लाइट का काम कर रहा है, बता नहीं दे, रुक जाओ, साउंड कर जाओ आपके पास आया क्या? एनीवन कर पाएंगे प्रूफ क्या? बहुत सिंपल सा है, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल लीजिए और फिर क्या कर देना, बाकी सारे एलिमेंट की वजह से क्या करना है, वेक्टर सम करना है। चलिए देखते हैं। सर म्यू नॉट आई अपॉन आर, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा कुछ कमी करिए। सर अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, या राइट सर इतना ही आ रहा है, क्या हुआ? यही आ रहा है सर। चलिए गोविंद कैसे निकाला बताएंगे जरा। सर किसी डीएल वेक्टर की वजह से निकाला पहले, वो आया म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर,
सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। अब सर जितने भी, और फिर सर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, सर जितने भी डीएल वेक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सेम डायरेक्शन में आएगी। ओके, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना आया? 90, वो 90 आया। श्योर हो? चलो यस सर, श्योर। वेरी गुड, सही है। देखिए आप किसी भी इंस्टेंट पे आप लिखो डीएल वेक्टर ले लो, मैंने कहा सर ये ले लो डीएल वेक्टर, छोटा सा एक डीएल वेक्टर ले लो, करंट की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। आप बोलोगे सर इसके सेंटर से ये डिस्टेंस इस पॉइंट पर निकालनी है, आपने बोला ये होगा आर वेक्टर की डायरेक्शन, जो कि आप बोलोगे कि सर बेसिकली रेडियस, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं इसकी वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालू तो देखिये मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट, थोड़ा सा निकालेंगे, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री, राइट। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा। आपने बोला कि देखिए ऐसे ही सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे हम, सबकी वजह से यहाँ पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और सबके बीच में आप एंगल कितना लोगे सर, सबके लिए जो डिस्टेंस है वो आर ही है, हर पॉइंट से डिस्टेंस कितनी आर है, सबके लिए पूरे में करंट कैसा फ्लो रहा है, आई फ्लो रहा है। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में आप देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, और सभी के लिए साइन 90, साइन 90 का मतलब कितना है 1, सबके लिए एंगल भी 90 डिग्री है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में अगर आप देखो अंदर कितना बचता है डीएल, किसी भी एलिमेंट को उठा के आप ले लो, सबकी वजह से ये चीजें कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इनको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आपको क्या करना था, सिर्फ सारे डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन करना था, मतलब डीएल 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 डीएल, ऐसे सारे डीएल को आप पूरे सर्कल का अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। क्या जाएगा, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना। तो आप बोलोगे सर सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर, तो 8 आर से आर कैंसिल, 2 पाई से ये वैल्यू 2 आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी की जो वैल्यू आएगी सेंटर पे वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर, ठीक है, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। डायरेक्शन और देखिए इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए वैसे तो आप देखो इस डीएल वेक्टर की वजह से अगर हम निकालें तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालनी है आपको, क्या निकालना है, डीएल क्रॉस आर कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल, डीएल वेक्टर आर वेक्टर देखिए थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, कोई भी डीएल वेक्टर की वजह से आप निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ट आएगी। अब करंट कैरिंग कॉइल की अगर हम बात करें, इसकी बात करें करंट कैरिंग कॉइल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे डायरेक्शन ऑफ, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे आएगी, देखिए करंट की अपना राइट हैंड लें, क्या लें, अपना राइट हैंड लें और करंट की डायरेक्शन में कॉइल में ऐसे अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ करंट कैरिंग कॉइल, राइट, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इनवर्स होगी। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो जल्दी से, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट तो लोगे, इसमें एक पॉइंट लिख लो कि डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड लिख देना जरूर, राइट हैंड कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड है, कई बार यूज होगा, मतलब एटलीस्ट
100 बार आप इसको कम से कम अपने क्वेश्चंस में यूज कर ही लोगे जब तक चैप्टर पढ़ोगे, तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ये तो अभी कॉइल की वजह से आपने कहां निकाला, सेंटर पे निकाला। चलिए मैंने कहा सर अभी इसी कॉइल की वजह से देखिए यही कॉइल है करंट आई फ्लो रहा है रेडियस आ रहा है इसकी वजह से किसी एक्सिस पे कोई पॉइंट है मान लो कितनी डिस्टेंस पर है एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है क्या करना है इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ठीक है देखिए ये कॉइल है कॉइल कैसे रखी है कुछ ऐसे नहीं आपने बोला कि सर ये कॉइल ऐसे रखी है ये कॉइल ऐसे रखी हुई है इसकी एक्सिस है ये इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है थोड़ा सा इमेजिन करना 3D है ठीक है ये कॉइल कुछ ऐसा है ये कॉइल ऐसा है इस कॉइल से ये एक्सिस ऐसे जिसको हम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पे जरा मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कीजिए क्या निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे ठीक है क्या निकालने की कोशिश करोगे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे सबसे पहले मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी किसकी जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की डायरेक्शन जरा सोचिएगा देखिए मुझे थोड़ा सा इमेजिनरी आप छोड़े मैंने कहा सर ये एक कॉइल है ये एक कॉइल है इसका जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट लिया आपने मान लिया कि सर ये एक कैप ले लिया ये एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि बाहर निकलता हुआ होगा समझने की कोशिश कीजिए देखिए ये जो एक कैप है ये एलिमेंट बाहर निकलता हुआ होगा और आपने इस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए आपने ये क्या ड्रॉ किया है ये आर वेक्टर है ठीक है ये पॉइंट को आपने ड्रॉ करने के लिए इनके बीच एंगल देखो कितना होगा 90 डिग्री हमेशा कैसा एंगल होगा 90 डिग्री होगा ये होगा कि नहीं होगा ये डीएल वेक्टर ऐसा है बाहर आउट ऑफ द प्लेन जब ये कॉइल ऐसी होगी तो डीएल वेक्टर मैंने ऊपर वाला पॉइंट दिया तो ये कैसा होगा आउट ऑफ द प्लेन होगा ठीक है ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है और ये वाली लाइन इस प्लेन में ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री ठीक है कैसा होगा 90 डिग्री होगा तो सबसे पहले तो आप बोलोगे डीएल वेक्टर और दिस आर वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री अब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे अब इस डीएल वेक्टर की वजह से मैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अच्छा पहले मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π I अगर इसमें करंट की वैल्यू लिखी है I dl sin 90 अपॉन ये r है r स्क्वायर ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड मैंने कहा सर डायरेक्शन और बताओ जरा देखो राइट हैंड पाम रूल से थोड़ा निकालने की कोशिश करो अगर आपको याद हो कि सर पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कल करते हैं ठीक है सच दैट मेरी पाम कैसी हो देखिए दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ये दूसरा वेक्टर है ना आप कैसे कल कर सकते हो सर पहला वेक्टर तो बाहर की तरफ है एल वेक्टर छोटा सा एल वेक्टर है ना एल वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है बाहर की तरफ है सबसे ऊपर एलिमेंट लिया कैसे बाहर की तरफ है मैं फिंगर्स को राइट हैंड को कैसे स्ट्रेच कर सकता हूँ ऐसे राइट हैंड पाम रूल ए क्रॉस बी प्रोडक्ट निकालने के लिए स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड such that कि palm is in the direction of second vector देखिए जब palm आपकी दूसरे vector की direction में होगी तो आप बोलोगे जो thumb है that will give you the direction of magnetic field तो thumb basically देखो किधर आ रहा है ये इस direction में आ रहा है ऐसा आ रहा है जो thumb की direction आ रही है वो basically आप बोलोगे सर ऐसे आ रही है मतलब magnetic field की जो direction आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है फिर से देखिए dl vector बाहर की तरफ ठीक है आर वेक्टर इस पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए आर वेक्टर तो आप बोलोगे पाम ऐसे कनेक्ट करोगे पाम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर देन द थंब ये थंब है
थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देख रहे हैं, एट अ सर्टेन एंगल ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा। अगर आप इस एंगल को क्या बोलते हो, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सर अगर मैं यहां से इसके दो कंपोनेंट करूं तो ये एंगल अपने आप थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा डीवी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसका वो आएगा डीवी कॉस थीटा। इसमें किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। सर डायरेक्शन समझ नहीं आई। डायरेक्शन अच्छा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी आती है, यस और नो? यस सर। क्या क्या होता है रूल ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने का? सर स्कू रूल। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बताओ भाई साहब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी? सर इनवर्ड। कैसी आएगी? इनवर्ड। चलो भाई, मैंने कहा सर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बताओ भाई साहब किधर की तरफ आएगी? बताए बताए जल्दी बताए जल्दी। सर इनवर्ड। चलिए, मैंने कहा सर ए वेक्टर आउटवर्ड है, ठीक है, और बी वेक्टर ये ड्रॉ किया हुआ है, आप जरा बताओ किधर आएगी? ए वेक्टर आउटवर्ड है और बी वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया, आप बताओ ए क्रॉस बी डायरेक्शन किधर आएगी? सर अपवर्ड्स। सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? अपवर्ड्स। देखिए कैसे बोलोगे, ये ए वेक्टर जो है वो कमिंग आउटवर्ड, बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, क्या करते हो राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हो, सच दैट पाम इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, जो कि सेकंड वेक्टर कैसा ड्रॉ किया ऐसा, तो थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, अपवर्ड आ रही बेटा, किधर आ रही है? अपवर्ड। क्लियर है? सॉरी जिसको डाउट आ रहा था। यस सर। चलिए, मैंने कहा सर ए वेक्टर अभी भी आउटवर्ड है और बी वेक्टर ऐसा है इस डायरेक्शन में, आप बताओ डायरेक्शन कैसी होगी? यहाँ पे तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन कैसी आई? अपवर्ड आई। हाँ, इस केस में बताओ किधर होगी? सर डाउनवर्ड थोड़ा टिल्टेड लेफ्ट के साइड। डाउनवर्ड नॉर्थ ईस्ट या डाउनवर्ड कैसे किस साइड बोला था पहले, कौन बोला था? सर डाउनवर्ड लेफ्ट की तरफ टिल्टेड। डाउनवर्ड लेफ्ट हैंड इधर की तरफ? सर थोड़ा राइट। हाँ मे बी इधर। सर स्क्रीन नहीं आ रही। इधर की तरफ? वीडियो ब्लर है। सर सही है। वेट 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 वेट। क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए। हाँ भाई साहब, जिसको डाउट आ रहा था जरा बताओ, अगर मैंने इस वेक्टर को थोड़ा सा घुमा दिया होता, यानी ये वाला पोजीशन बन गया होता, तो जो ए क्रॉस बी है वो नीचे की तरफ आ गया होता, थोड़ा घूम गया,
अगर मैंने इसको इधर घुमाया होता तो ये पोजीशन बनता तो एक रॉस भी नीचे कुछ ज्यादा भाई साहब, लेकिन एक रॉस भी कैसा आया था अभी अपवर्ड आया था। होता कि नहीं होता बेटा, इसका मतलब ये गलत है सर, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल। तो इसका आंसर कैसा होगा सर, ये होगा परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा दोगे तो ये क्रॉस भी घूम जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अरे बेटा ये यही तो है, जो डीएल वेक्टर है वो है कैसा है, आउटवर्ड्स है। ठीक है, समझ मारी ये बात। आप क्या बोलोगे, जो ए एक जो बाहर की तरफ आ रहा था ये वाला वेक्टर, वही तो डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर इज कमिंग आउटवर्ड्स। गौर से देखो भाई साहब, ये जो रिंग है वो इस तरीके से रखी मैंने, ठीक है। तो ये डीएल वेक्टर मैंने ऊपर जस्ट टिप पे लिया, तो आप बोलो डीएल वेक्टर कैसा है, इज कमिंग आउटवर्ड्स। बी वेक्टर देखो एग्जैक्टली इस एंगल पर है जो कि यहाँ दे रखा मैंने, ए वेक्टर इज कमिंग आउटवर्ड्स। डीएल वेक्टर आर वेक्टर क्या है, ये वाली डायरेक्शन में, ये देखिए। तो आप बोलते हो कि सर इन दोनों का जो ए क्रॉस भी आया उसी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आया, यस और नो? हाँ जी, ये क्लियर करो, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है सर। क्लियर है, क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है। थोड़ी किसको डाउट था? यस सर, पक्का ना? ऐसे नहीं कि सिर्फ हाँ बोल दिया। सर क्लियर है, चलो तो डीबी वेक्टर इधर हो गया। डीबी वेक्टर का मैंने कहा था इस एंगल को थीटा बोला, तो भाई साहब ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट डीबी साइन थीटा होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, क्या तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा सर हर एक एलिमेंट के लिए एक ऑपोजिट एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी वजह से आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर इस एलिमेंट की वजह से निकालोगे, इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो इधर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, ये एंगल भी सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस तो आर भी है, ये डिस्टेंस भी सेम होगी, एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला पॉइंट लिया मैंने। तो आप बोलोगे इसके कंपोनेंट देखो कैसे निकला लोगे सर, ऊपर की तरफ निकलेगा क्योंकि एंगल भी थीटा रहेगा, डीबी कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या रहेगा इसका कंपोनेंट, डीबी साइन थीटा। मतलब फॉर एवरी एलिमेंट देयर विल बी वन ऑपोजिट एलिमेंट जिसकी वजह से ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे, यस और नो? हर एलिमेंट के ऑपोजिट, कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसके ऑपोजिट यहाँ एक एलिमेंट होगा, इसके ऑपोजिट यहाँ एक एलिमेंट होगा, इसके ऑपोजिट यहाँ एक एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट के ऑपोजिट एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में ये वाले कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं। मतलब बेसिकली मुझे अगर नेट इलेक्ट्रिसिटी, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालनी है, तो बेसिकली इससे पहुंचे ये वाले कॉम्पोनेंट का वेक्टर हम ले लू, इंटीग्रेट कर दू ये वाले कॉम्पोनेंट को, बिकॉज ऑपोजिट वाले ये वाले कॉम्पोनेंट हर दूसरे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। हर एलिमेंट का सिर्फ डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो कि डायरेक्शन में आएगा, इनको सिंपली क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, ठीक है, एंड दैट विल गिव यू द नेट मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा वैल्यू रख दो, डीबी की वैल्यू आप ले रख चुके हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन डीएल साइन 90 वैल्यू 1 और डिस्टेंस है आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है ये, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वैल्यू रख देना, ये तो हो गया डीबी की वैल्यू साइन थीटा। एक सेकंड, यहाँ को गड़बड़ दिया गया, हाँ बोलोगे साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लो भाई।
ठीक है। अब इसमें देखो कॉन्स्टेंट वैल्यू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, फोर पाई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है और सभी के लिए ये आर कॉन्स्टेंट है क्योंकि भाई साहब हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये रिंग ऐसी रखी हुई है, हर पॉइंट आप क्या बोलोगे इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो आर भी कॉन्स्टेंट है। अच्छा साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा निकाल दो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ये थीटा, ये आर, ये स्मॉल आर, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक एक्स। तो आप बोलोगे साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेसिकली आर अपॉन स्मॉल आर दैट इज आर अपॉन, चलो कितने लिख दो, मैंने कहा साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर दो, आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ बाहर कॉन्स्टेंट ले लो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू होगी कैपिटल आर बाय सर नीचे का दिख रहा नहीं है नीचे आ रहा था तुम्हारा, चलो यहाँ लिख दो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू होगी कैपिटल आर बाय आर और डीएल, ये सारी कॉन्स्टेंट है तो मैंने इसको बाहर ले लिया और माइनस की वैल्यू यहाँ, ठीक है, थैंक यू दिक्कत। और स्मॉल आर के ये देखो आर स्क्वायर और आर कितना हो गया मिला के आर क्यूब हो गया, और आर की वैल्यू अगर लिखोगे तो आर कितना आएगा देखिए, इसको क्या लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और आर क्यूब क्या हो जाएगा सर इसकी पावर 3/2 और डीएल, डीएल क्या हो गया फिर से देखो डीएल 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 सारे डीएल का आप क्या करोगे ऐड करोगे तो क्या जाएगा बेसिकली सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग राइट दैट इज 2πr, तो आप बोलोगे बी की वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू आर इनटू 2πr, क्लियर है, देखिए भाई साहब 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर आएगा आर स्क्वायर माइनस 3 कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कहीं कोई दिक्कत सर नीचे का दिख रहा नहीं है, अरे बेटा क्या लिखो तेरी कुछ तो लिखो, लो मैंने इरेज कर दिया तो मैं लिखा रिजल्ट तो सर लिख लिया कुछ तो लिखोगे भाई, अरे स्टेप मेरे से लिखवाओगे क्या, बहुत इजी सा स्टेप किया कुछ किया नहीं, चलो इसको इसको एक बार देख लो गो थ्रू करो, मैं इसको थोड़ा सा ये जो रिजल्ट है इसको क्लीन लिख लिया फिर इससे कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। आराम से स्टेप बाय स्टेप देख लो, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देखो मैंने कहा सर एक डीएल एलिमेंट लिया, इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आई देती है, जब इसके अगर मैंने ये एंगल को थीटा माना है तो भाई साहब इसके ये एंगल भी थीटा आएगा तो इसके दो कॉम्पोनेंट आएंगे डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा, ठीक है, और डीबी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4πi आईडीएल साइन 90° बाय आर स्क्वायर, मैंने कहा हर एक डीएल वेक्टर के ऑपोजिट एक वेक्टर होगा जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो ऐसे आएगी सच दैट की सर डीवी कॉस थीटा और डीवी कॉस थीटा एक दूसरे क्या होंगे कैंसिल आउट होंगे, सो इन शॉर्ट हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ डीवी साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट को क्या करना है ऐड करना है, क्या करना है डीवी साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट को क्या करना है हमको ऐड करना है, ठीक है, तो जब मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो मैंने कौन सा फॉर्मुला यूज किया, मैंने यूज किया ये मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा बिकॉज डीवी कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट तो मुझे उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुट किया साइन थीटा की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल से उठा के पुट किया एंड सिंपली ये इंटीग्रेशन करेंगे डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2πr सॉल्व करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत यस और नो, एक स्क्रीनशॉट एक छोटा सा केस देखेंगे इसका बस खत्म करेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट
अपॉन कितना था टू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री। अगर मुझे सेंटर पे निकालना है, किधर निकालना है सेंटर पे, तो बताओ सेंटर के लिए क्या करोगे, कैपिटल आर के लिए जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, कैपिटल आर के जीरो की एक्स के जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाए, सेंटर पे पहुंच जाए, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई जीरो। तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय टू आर क्यूब। सॉल्व करोगे तो देखो म्यू नॉट आई बाय टू आर आया। यही बात समझ में आया, जो कि अभी हम निकाल चुके ऑलरेडी पहली चीज। यस सर। दूसरी चीज हमने कहा सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, आपने अगर सारे कंपोनेंट इधर की तरफ ऐड हुए थे डीबी साइन थीटा वाले, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी सर, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। वैसे भी देखो आपने बोला था कि सर कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो क्या करनी, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर उसकी जो लाइन है ना, उस लाइन के अलोंग ही आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए कैसी आ रही है, चाहे वो पॉइंट इस साइड बना लो चाहे वो पॉइंट इस साइड बना लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ ही आएगी। कैसी आएगी, इधर की तरफ ही आएगी। रिंग के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, किसकी बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, तब आप बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिंग के इस साइड इस डायरेक्शन में आती थी तो रिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में आती थी। बट इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसी रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप इस साइड वाला पॉइंट ले लो चाहे रिंग के इस साइड ले लो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अगर इधर आ रही है तो इधर ही आएगी, अगर करंट डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो डायरेक्शन इधर आएगी तो इधर ही आएगी। कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट? सर करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे माइनस साइन आ जाएगा ना? बेटा माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन नहीं आ जाएगा। माइनस साइन क्यों आ जाएगा, आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना उस पर डिपेंड करेगा ना, अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यस आप पॉजिटिव बोलोगे, अगर दूसरे डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। सो दैट डिपेंड्स आपने साइन कन्वेंशन क्या लिया, कहने का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी करंट, आप जो कहना चाह रहे हो यही कहना चाह रहे हो कि अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे करंट की तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जो कि एकदम सही बोल रहे हैं। माइनस ऑफ प्लस प्लस डायरेक्शन वो साइन कन्वेंशन पे भी डिपेंड करता है, ये आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाया, क्लियर है गोविंद? यस सर। चलिए देन आज के लिए इतना ही काफी है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फाइनाइट इनफाइनाइट पर जीरो हो जाएगी। सर गए।